आखिरी संदेश कलयुग के लोगों के लिए कि वेद पुराण शास्त्र सभी सब हे उलझन का पंत, राम हे गीता राम अखंड, राम सभी का पंत, केवल राम नाम का पल्ला पकड़ लेना तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। अगर यहां ज्यादा ज्ञानी बनने जाओगे तो उलझ जाओगे, और नहीं मानो तो ज्ञानी बन के देख लो, शिव पुराण पढ़ो तो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शिव जी ने ही भगवान विष्णु की रचना की। अब शिव पुराण अलग हटा दो ने विष्णु पुराण पढ़ो तो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु जी ने ही शिव जी की रचना की। अब अपन तो फंस गए लफड़े में कि शिव पुराण में लिखा कि शिव जी ने विष्णु जी की रचना की, और विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु जी ने शिव जी की रचना की, और देवी पुराण में लिखा हुआ है कि देवी माता ने इन तीनों देवताओं की रचना की। अब रापर डोलिया हो गया। अब अपन तो चक्कर में फंस गए नहीं कि इस पुराण की बात सही है कि इस पुराण की बात सही है। तो हकीकत तो ये है कि सोना तो ये असली है, पुराण वेद सब, हम ये नहीं कह रहे कि नकली है, ये सोना तो असली है लेकिन इसे परखने की क्षमता अपने अंदर नहीं है। इसलिए संतों ने निचोड़ निकाल के कहा कि वेद पुराण शास्त्र सभी सब है उलझन का पंत। बोले किसके लिए? बोले कलयुग के नर नारी के लिए ये उलझन का पंत है। तो फिर सीधा सरल रास्ता कौन सा है? तो सीधा बाईपास का रास्ता बता दिया कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरऊं पारा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरऊं पारा। बिल्कुल सीधा सड़ रास्ता बाईपास निकाल दिया कि इधर निकल जाओ, उलझन में मत पड़ो। फिर भी लो क्यों गुरुजी मैं काई करूं तो मारे शांति हुई जाएगी। दादा भी ये बीज बाजार में जाओ वाला, जब सीधा रास्ता दिखा दिया भगवान ने कलयुग केवल नाम अधारा तो बीज बाजार में क्यों भरा हो? क्या मतलब बीज बाजार भीड़ भाड़ में जाने से? आप तो निकलो ने सीधा सड़ के कलयुग केवल नाम अधारा, और यही सीधा नाम का रास्ता बताया सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को। और